इस ट्यूटोरियल में हम ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले 3D टूलबार लाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से 3D मॉडलिंग पे क्लिक कीजिए। बाद में Z एक्सिस देखने के लिए यहाँ अनसेव्ड व्यू पे क्लिक कीजिए और ऐसे आइसोमेट्रिक पे क्लिक कीजिए। बाद में इसको शिफ्ट करने के लिए UCS आइकॉन कमांड दीजिए, एंटर और नो ओरिजिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम ये जो प्लेट है वो बनाएंगे 50x75 डायमेंशन और 12 थिकनेस का। रेक्टेंगल पे क्लिक कीजिए, पहला पॉइंट क्लिक कीजिए और कर्सर को दूर लेके जाइए। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको एक्स एक्सिस में क्या डायमेंशन चाहिए वो डालना है। यहाँ पे हमको एक्स एक्सिस में 50 चाहिए, बाद में कॉमा दीजिए और 75 डालिए 75 और एंटर कर दीजिए और इसको जूम माइनस कर लीजिए और पैन कर लीजिए और इसको पूरा फिट करने के लिए जूम ऑल कीजिए Z एंटर A एंटर तो इसको हम ठीक से जूम कर सकेंगे। बाद में इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए प्रेसफुल कमांड पे क्लिक कीजिए, प्रेसफुल। बाद में इसके अंदर क्लिक करके कर्सर को ऊपर लेके जाइए और इसका थिकनेस जो है वो डाल के एंटर कर दीजिए और एस्केप दबाइए तो ये प्लेट तैयार हो गया। बाद में इसको 3D जैसा लुक देने के लिए 2D वायर फ्रेम पे क्लिक कीजिए और यहाँ से शेडेड विथ एजेस पे क्लिक कीजिए तो ये 3D जैसा दिखने लगेगा। उसके बाद ये कट हमको बनाना है, यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये 25 चाहिए और यहाँ से डिस्टेंस भी 25 चाहिए। और फिर रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक कीजिए और कर्सर ये एंड पॉइंट पे लेके जाइए और वहाँ पे क्लिक नहीं करना है, वैसे ही उसको आगे लेके जाना है तो वो ट्रैक करेगा उसको। बाद में वहाँ पे 25 डिस्टेंस जो है वो डाल दीजिए 25 एंटर तो ऑटोमेटिकली 25 डिस्टेंस वो लोकेट कर लेगा। बाद में कर्सर को दूर लेके जाइए। अब इस साइड में हमको 12 चाहिए तो इधर आप देखोगे तो वहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है तो हमको उधर देना पड़ेगा -12 बाद में कॉमा और हमारा विड्थ है 25 एंटर तो ये शेप बन गया। बाद में इसको कट करने के लिए प्रेसफुल, बाद में उसके अंदर क्लिक कीजिए, नीचे लेके जाइए, ज़्यादा नीचे लेके जाके क्लिक कर दीजिए तो होल बन जाएगा। बाद में एस्केप, बाद में जो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसको इरेज कर दीजिए, इरेज के लिए ई एंटर और ये दोनों लाइन को या ये रेक्टेंगल को हम इरेज कर देंगे और एंटर तो ये नीचे वाला प्लेट ठीक से बन गया। अभी हमको ये वाला जो शेप है वो बनाना है। अब ये जो शेप है वो वर्टिकल बनाना है तो उसके लिए हमको प्लेन चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो सरफेस है ये सरफेस को पैरेलल है तो अगर इस सरफेस पे काम करना है तो राइट प्लेन लेना पड़ता है और इस सरफेस पे काम करना है तो फ्रंट लेना पड़ता है। हमको इस सरफेस पे काम करना है तो हम राइट प्लेन चूज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से राइट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो Z हॉरिजॉन्टल हो गया और XY वर्टिकल हो गया। बाद में ये वाला जो शेप है हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ये लेंथ जो आएगा वो 75 - 20 यानी 55 आएगा और ये 25 और ये 20 है तो लाइन कमांड पे क्लिक कीजिए, लाइन फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए, ऑर्थो ऑन कीजिए, ऑर्थो मोड ऑन, बाद में डायरेक्शन दिखाइए इधर और डायमेंशन डालिए 55 एंटर, ऊपर लेके जाइए 25 एंटर और सामने लेके आइए और 20 एंटर। बाद में उसको ये एंड पॉइंट पे जाके क्लिक कर दीजिए एंटर। बाद में इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए वापस प्रेसफुल, उसके अंदर क्लिक कर दीजिए
सामने लेके आइए और थिकनेस दीजिए 25 और एंटर, और बाहर आने के लिए स्किप दबा दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करके हमको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तो हमको ये पीछे वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखना है। तो पीछे वाला पॉइंट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करके 2D वायर फ्रेम सिलेक्ट कीजिए, तभी ये पीछे वाला पॉइंट दिख रहा है। बाद में मूव इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर, बाद में ये जो एंड पॉइंट है उस पर क्लिक कीजिए और ये एंड पॉइंट पे क्लिक कीजिए, तो वहाँ पे वो करेक्ट मूव हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसको इरेज कर दीजिए, इरेज, और क्रॉसिंग विंडो बना के एंटर। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, वापस हम इसको 3D में देखेंगे, शेडेड विथ एजेस। और इसको ऑर्बिट करके देखना है तो शिफ्ट दबाइए, बाद में आप अपने माउस वाला जो स्क्रॉल होता है या व्हील होता है उसको दबा के रखिए और माउस को हिलाइए, तो ये ऑर्बिट हो जाएगा। अभी ये ग्रिड मुझे नहीं देखनी है, तो उसके लिए आप यहाँ से ग्रिड बंद कर सकते हो, इस पर क्लिक कर दीजिए तो बंद हो जाएगी। अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अलग है और ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए हमको यूनियन कमांड का उपयोग करना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक कीजिए यूनियन, बाद में ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर दबा दीजिए, तो वो मर्ज हो जाएंगे। इसको कलर देने के लिए डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो चूज कीजिए और एस्केप दबाइए, और यहाँ पे ऐसे आइसोमेट्रिक, तो ये करेक्ट व्यू आपका आ जाएगा। बाद में ये दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके लिए वापस हम नया ड्राइंग चालू करेंगे। यहाँ पे न्यू ड्राइंग पे क्लिक कीजिए, वहां से हम लेंगे अकैड आईएसओ टेम्पलेट और ओपन, वापिस यहाँ पे क्लिक करके एसी आइसोमेट्रिक और यूसीएस आइकॉन, नो ओरिजिन। अब इस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम ये नीचे वाला प्लेट बनाएंगे, इसका डिस्टेंस है 48, बाद में 90 और थिकनेस है 24। वापिस रेक्टेंगल, पहला पॉइंट क्लिक कीजिए, कर्सर को दूर लेके जाइए। अब एक्स डायरेक्शन में हमको चाहिए 48 कॉमा 90, एंटर और जूम कर लीजिए इसको। बाद में प्रेस पुल, उसके अंदर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्शन दीजिए ऊपर और 24, एंटर और एस्केप। अब हमको ये कट बनाना है, उसके लिए यहाँ पे हमको ये सर्कल बनाना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, इस प्लेन पे अगर हमको काम करना है तो आपको फ्रंट प्लेन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके फ्रंट प्लेन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक्स वाई वर्टिकल हो गया, जेड हॉरिजॉन्टल हो गया। बाद में इसको 3D में देखने के लिए इधर क्लिक कीजिए और शेडेड विथ एजेस, ग्रिड बंद कर दीजिए। बाद में सर्कल सेंटर पॉइंट दे दीजिए, बाद में इसका जो डायमीटर है वो 32 है, यानी 16 रेडियस आ जाएगा, 16, एंटर। बाद में इसको कट करने के लिए प्रेस फुल, इसके अंदर क्लिक कीजिए, अंदर लेके जाइए और इसका जो डेप्थ है वो 40 है, तो 40 अंदर लेके जाके 40 डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए और एस्केप दबा दीजिए। अब ये सर्कल हमको नहीं चाहिए, उसको इरेज कर देंगे, इरेज, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो ये इरेज हो गया। उसके बाद हमको ये वर्टिकल सिलेंडर्स बनाने हैं 32 और 56 डायमीटर के, तो वापिस हमको टॉप प्लेन में काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दीजिए, तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट हम बना सकेंगे। बाद में सर्कल के पास वाला जो एरो है उस पर क्लिक कीजिए और सेंटर डायमीटर कमांड लीजिए, सेंटर पॉइंट दे के डायमीटर दीजिए 32, एंटर, जूम कीजिए, वापिस सेंटर डायमीटर, बाद में सेंटर पॉइंट 56 डायमीटर, एंटर, बाद में इसको प्रेस पुल, इसके अंदर क्लिक कीजिए, हाइट दीजिए 56, एंटर और एस्केप, तो यहाँ पे ये 56 हाइट।
बाद में यहाँ पे ये 6 विड्थ का हमको कट बनाना है। उसके लिए हम पहले एक लाइन बना लेंगे, लाइन, बाद में सर्कल का सेंटर पॉइंट देखने के लिए कर्सर सर्कल पे लेके जाइए तो वो सेंटर पॉइंट दिखाएगा। बाद में सेंटर को क्लिक करके ऑर्थो ऑन कीजिए तो लाइन आपका स्ट्रेट आएगा, ऑर्थो ऑन। बाद में इधर लेके जाइए, क्लिक कर दीजिए और एंटर। बाद में इसको ऑफसेट कर दीजिए, ऑफसेट डिस्टेंस हमको चाहिए 3, एंटर। ये लाइन इस साइड में जाके क्लिक कर दीजिए, वापस इस लाइन को क्लिक कीजिए, इस साइड में आके क्लिक कर दीजिए और एस्केप। बाद में ये लाइन नहीं चाहिए, इरेज कर दीजिए, ई एंटर सिलेक्ट करके एंटर। बाद में ये पोर्शन को हमको कट करना है, इसके लिए वापस प्रेस पुल, उसके अंदर जाके क्लिक कर दीजिए और नीचे लेके जाइए बाहर और क्लिक कर दीजिए तो कट हो जाएगा, स्किप। बाद में ये लाइन को इरेज कर दीजिए, ई एंटर, दोनों लाइन को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। यहाँ पे ऑर्बिट करके हम देखेंगे तो पूरी तरह से कट हो गया। ये सर्कल्स हमको नहीं चाहिए दो, उसके लिए ई एंटर, दोनों को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। बाद में हमको ये इसको मूव करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो वापिस ये अंदर वाली लाइन देखने के लिए यहाँ पे 2D वायर फ्रेम, बाद में मूव, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर। बाद में अंदर वाला सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए और ये जाके बैठेगा इस मिड पॉइंट पे, और तो ऑफ कर दिया जाए तो F8 दबा के आप ऑफ कर सकते हो, तो ये मिड पॉइंट पे ये बैठ गया बराबर। बाद में वापिस 3D व्यू में देखिए इसको शेडेड विथ एजेस, तो ये दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम घुमा के देखेंगे तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए अगर अभी हम प्रेस पुल करेंगे इसको, प्रेस पुल, और उसके अंदर जाके क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो ये पूरा सरफेस सिलेक्ट हो रहा है। तो हमको पूरा सरफेस तो कट नहीं करना है, हमको सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। बाद में स्किप दबा दीजिए, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कट करने के लिए हमको इसको और इसको मिला लेना पड़ेगा या ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यूनियन पे क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, तो अभी ये कनेक्ट हो गया। अगर अभी हम इसको प्रेस पुल करेंगे, ऑर्बिट कर लीजिए, प्रेस पुल, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट हो गया, आप देखोगे तो इतना ही पोर्शन जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। बाद में इसको ऑर्बिट करके कर्सर को नीचे लेके आइए और क्लिक कर दीजिए, बाद में एस्केप, बाद में इसको जूम करके देख लीजिए तो इतना ही पोर्शन ठीक से कट हो गया। बाद में इसको इरेज कर दीजिए, ई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बाद में यहाँ पे एसी आइसोमेट्रिक, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसको कलर देने के लिए डबल क्लिक और यहाँ से कलर ले लीजिए क्या चाहिए आपको और एस्केप। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट तैयार हो गए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।